वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर इजहार बरहमी। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। ओगरा में गैस कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समात। गैस की कीमत में 155% इजाफे की तजवीज़। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना है कि गैस कीमतों से मुतल्लिक जो भी चीज़ होगी यकम जुलाई से होगी, ज़रूरी नहीं सुई नॉर्दर्न ने जितना इजाफा मांगा उतना दे दिया जाए। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है। कीमतों में इजाफे की सूरत में जिस सारिफ का गैस बिल पहले 100 रुपये था वो बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्तों पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। अदालत का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोडक्शन की दरखास्तों पर समात की। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत में पेशी के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख्वातीन की मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशस्त की लिस्ट जमा नहीं करवाई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें ना मिलने से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। पिशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 30 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पिशावर हाईकोर्ट के पास सुबह तक मखसूस नशस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। तफसीली फैसला केपी असम्बली में अपोजिशन की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। मुंबई के कितने मुलजमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। अदालत की अटर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा करवाने की हिदायत। जिन मुलजमान को कम सजाएं होनी हैं उनकी तफसील भी फराहम की जाए। फौजी अदालतों के केस में हुक्म इम्तनामे समरी के मुताबिक तरमीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। कैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते। अदालत मुनासिब होगा अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दायर करें, अदालत की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील का बेंच के साइज पर एतराज। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा अपनी मुतफरिक दरखास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी वकील जवाद एस खाजा। क्या हम किसी FIR को दर्ज होने से रोक सकते हैं? पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। गलत FIR पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी होती हैं? चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, यहाँ जो बातें की जाती हैं बरूने मुल्क कोई करे तो हद के इज्जत पर मुआशी तौर पर ख़त्म हो जाए। यहाँ तो उल्टा लोग व्यूज़ लेकर उससे कमाते हैं। आपकी दरख्वास्त भी मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक है या कोई और एजेंडा है? चीफ जस्टिस का वकील हैदर वहीद से मुकालिमा। रिमार्क्स दिए कि आपको मुफ्त मशवरा है, पहले अपने क्लाइंट से मुलाकात कर लिया करें, इस अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। FIA की आमिर मीर और इमरान शफकत के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी। समंदरी में कासिम रोड का रिहायशी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी, तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। चंद रोज कबल फैसलाबाद में नौजवान आसिफ गले में डोर फिरने से जान की बाजी हार गया था।
पुलिस तहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। पतोकी में 8 साल का बच्चा पतंग उड़ाते छत से गिरकर दम तोड़ गया। गुजरांवाला में पतंगबाजी के दौरान करंट लगने से बच्चा झुलस गया। मियांवाली में एक अमसिन बच्चे के गले पर डोर फिरने का मुकदमा दर्ज। असगर नामी पतंग फिरोश गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस को सुबह भर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज यकुम अप्रैल से रुखसत पर चले गए। वजीर के बच्चों के जुर्माने मुआफ करने पर प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पैदा हुए। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के खिलाफ मुतअद्दिद इक़दामात से ज़हनी दबाव में थे। अगस्त से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। नए प्रिंसिपल की तायुनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। ज़राए गवर्नर हाउस, यकुम अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदामात से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन का खत। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली भी इस्तीफा दे दिया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान में हमलों की मंसूबाबंदी। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी। वीडियो मंजर आम पर आ गई। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी का गठजोड़ बेनकाब। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के सरगना याया की हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला करने की हिदायत। हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने वाले और 6 मावनीन होंगे। टीटीए कमांडर के असाइन। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेग इस्तेमाल आलमी माहिदों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वासे सबूत मुतादिद बार दे चुका। हमारा मेट्रो बाई कोर्ट मैं दोबारा जा रहा है और इंशाल्लाह मंगल बुध तक यह फैसला हो जाएगा। मैंडेट की रिकवरी के लिए हमने एक प्लान मुरतब किया है, एजिटेशन का, डेमोस्ट्रेशंस का। और पहले मरहले पे 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक अज़ीम-ओ-शान जलसा होने जा रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयां थी। वकला को मुकम्मल जिराह का हक नहीं दिया गया। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ना ये ट्रेन चलेगी तो ना ये हुकूमत चलेगी। ख्वाब में उन्होंने चलाई है तो अमन को रोक नहीं सकते। खुश ख्याली हो सकती है। शहबाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश की है। आए नवाज शरीफ की तरह टनल बनाएं, उनको सहूलत दें, मोटरवे बनाएं, रोजगार लेके आए। तो पंजाब गवर्नमेंट ना तो अदालत है, उनको देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गे अंडे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। इतनी अय्याशी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहे हैं। अडयाला जेल में एक कैदी को दूसरे कैदियों की तरह हुकूक हासिल हैं। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया टॉक। कहा, पहले के 10 साल की तरह आइंदा के 5 वर्षों में खैबर पख्तूनख्वा तबाह हो जाएगा। ना ट्रेन चलने वाली है और ना ये हुकूमत चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया। किचरा मार्केट में खातून को हिरासत करने का वाकया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुलजिमों अल्तमश, नदीम और आदिल की जमानतें मंजूर कर ली। पुलिस ने 2 मुलजिमों मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना इचरा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में मौसम बहार के रंग बिखर गए। जिलानी पार्क में 60,000 से जायद पौधों और फूलों की नुमाइश। शहरी दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। रंगारंग फूलों की नुमाइश 2 हफ्ते तक जारी रहेगी।